हेलो गाइस, मैं हूं मित, और आज के वीडियो में हमारे पास है एक एलईडी बल्ब, और दोस्तों हमारे पास है ये 100 वाट का बल्ब। तो दोस्तों हम इन दोनों बल्ब को जलाकर पानी में डाल देंगे, फिर देखते हैं इन दोनों बल्ब में से कौन सबसे ज्यादा देर तक जल सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हो, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई मत करिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजर और काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक बड़ा सा टोपा है, और इस टोपे में आधा टोपा पानी भर चुके हैं, और जो इसमें पानी है दोस्तों वो काफी ज्यादा ठंडा पानी है और काफी ज्यादा कूल पानी है। तो दोस्तों हमारे पास है ये होल्डर है, और इस होल्डर में हम एलईडी बल्ब को लगा देते हैं। लकड़ी ले लेते हैं, और इस सूखी लकड़ी को सेफ्टी के लिए दोस्तों इस वायर में हम लगा देते हैं। और पास लिखा उधर। तो दोस्तों हम इस बल्ब को हम इस पानी में डालने जा रहे हैं, देखते हैं फिर ये बल्ब कितनी देर तक जलता है। तो दोस्तों हमारे जो बल्ब है इस पानी में डूब नहीं रहा है, तो दोस्तों इसमें हम एक ईंट बांध के इस बल्ब को हम डुबाएंगे, फिर देखते हैं कितनी देर तक जलता है। इस ईंट को और इस बल्ब को हम इस पानी में डालने जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसमें जो एलईडी बल्ब था वो काफी स्लो जल रहा है और लुप लप कर रहा है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, और इसमें से जो बुलबुले छोड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा जो एलईडी बल्ब था ज्यादा देर तक जल नहीं पाया। तो दोस्तों हम कुछ इस तरीके से 100 वाट बल्ब को होल्डर में लगा दिए हैं। दोस्तों हम इस बल्ब को अब हम इस पानी में डालने जा रहे हैं दोस्तों। और ये जो बल्ब है दोस्तों काफी देर तक जल सकता है, अभी मालूम भी नहीं है कितनी देर तक जल सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों इस पानी के अंदर, इस बल्ब में। इस पानी बल्ब को कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है।